हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरी। गाइज, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ माँ सरस्वती जी का पूजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ और पूरे जगत के कल्याण के लिए माँ सरस्वती जी से प्रार्थना कर रही हूँ। गाइज, माँ सरस्वती जो है विद्या दायिनी होती है, विद्या की मालकिन है। अगर आपको बुद्धि और विद्या की जरूरत है तो माँ सरस्वती जी की आराधना कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा से आपको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। गाइस, फागुन के जो बसंत पंचमी होता है तो इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। इस बसंत पंचमी यानी कि आज से होली शुरू हो जाता है, यानी कि फाल्गुन मंथ जब शुरू होता है तो उसके पांचवें दिन बसंत पंचमी मनाया जाता है। आज से होली शुरू हो जाता है और देवी देवताओं का होली आज ही के दिन होता है, यानी कि आज के दिन ही हम देवी देवता को गुलाल चढ़ाते हैं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती है और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देती है। हमारे बिहार में माँ सरस्वती जी का पूजन बहुत ही फेमस है। हर घर में हर दो तीन घर छोड़कर एक पंडाल लगता है, बड़ी सी मूर्ति आती है और उनके पूरे परिवार के साथ और पूरे रिश्तेदार के साथ, पूरे समाज के साथ लोग इस धूमधाम से माँ सरस्वती जी का पूजन करते हैं, बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अपने परिवार के साथ किस तरह से धूमधाम से अपने घर में माँ सरस्वती जी का पूजन करती हूँ, कीर्तन भजन करती हूँ, तो पूरी वीडियो में आप देखेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। और अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। माँ सरस्वती का कृपा अगर चाहते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर भी कीजिएगा। और अगर माँ सरस्वती की कृपा आप अपने ऊपर भी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हर साल माँ सरस्वती जी के पूजन की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही जो भी रेसिपीज की वीडियोज मैं अपलोड करूँ उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज, अब आप देख रहे हैं कि हम लोग पूजन करने के लिए बैठ चुके हैं। यहाँ पर माँ सरस्वती जी का पूजन चल रहा है। मॉर्निंग के 10 o'clock के आसपास हम लोग पूजन के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पर माँ सरस्वती जी का पूजन कर रहे हैं। पूजा पूरा होने के बाद हम लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और गाइज, आरती के बाद मैं आपको थोड़ा बाहर का सीन दिखा रही हूँ कि बाहर किस तरह से तैयारी चल रहा है। माँ सरस्वती जी को बूंदी बहुत पसंद है, यानी कि बूंदी की लड्डू हो चाहे बूंदी का प्रसाद हो, बहुत प्रिय होता है। तो आज के दिन जो है भोग में बूंदी ही चढ़ता है और बांटा भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बूंदी का जो दोने तैयार किया गया है, ये सभी बांटने के लिए भक्त जनों में ये प्रसाद बांटने के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको आंगन में ले चलती हूँ, क्योंकि आंगन में भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से तैयारी चल रहा है, किस तरह से भंडारा चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं कि अगर घर में कोई बच्चा हो और उसका पहला पढ़ाई जब शुरू होता है, पहला अक्षर जब बच्चा लिखता है, आज ही के दिन बच्चे के हाथ में कलम और पेन पकड़ाया जाता है। तो मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा है तो उसका भी आज कलम पकड़ाया जा रहा है। माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करके, इसे आशीर्वाद देकर आज ही के दिन से इसका पढ़ाई शुरू हो रहा है। पूजा समाप्त होने के बाद यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो सभी लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम लोग फिर से कीर्तन के लिए बैठेंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैं भंडारा का खाना चेक कर रही हूँ कि कैसा बना है, और जो भी गेस्ट है उनसे पूछ रही हूँ कि खाना कैसा बना है, प्रसाद कैसा बना है, और सभी प्रसाद की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, सभी को बहुत ही पसंद आया। तो गाइस, भंडारा पूरा होने के बाद अब हम लोग फिर से कीर्तन के लिए बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीर्तन मंडली आए हुए हैं और हम सभी पूरा परिवार अपने पूरे गेस्ट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और कीर्तन भजन चल रहा है। गाइस, हमारा कीर्तन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कीर्तन समाप्त होने के बाद हम लोग आरती कर रहे हैं, तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचाइएगा।
गाइस कीर्तन करने के बाद हम लोग आरती कर रहे हैं और इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुँचाइए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।